हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरती अदर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो गाइज, मेरा साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं अभी पार्लर से आई हूँ आईब्रो पर लिप्स करा के। देखो कितना साफ साफ मुंह लगता है ना आईब्रो पर लिप्स करा के। तो गाइज, जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज है 12 जून, जीजू का बर्थडे है। तो शाम को पता नहीं कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो। पूजा दी ने मुझे कहा था कि 5-6 बजे तक तू घर आ जाइयो, तो मैं जाऊँगी। अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी मुझे जाना है लक्ष्मी नगर मार्केट। उस दिन मैं पूजा दी के साथ मार्केट गई थी, तो एक शर्ट थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी उसके लिए, पूजा दी के लिए, बट उसने ली नहीं थी क्योंकि उसका कपड़ा बहुत स्ट्रेच था और पता नहीं जो भी था, तब वो उसने ली नहीं। फिर उसने भानु दी को आके, जो उसकी नंद है बड़ी वो छोटी वाली, वो उसने फ़ोटो वगैरह दिखाई होगी उन्हें, तो उन्हें वो शर्ट बहुत पसंद आई। और मैंने पहले कहा था, बहन ये शर्ट तेरे पर बहुत अच्छी लग रही है, ले ले, तब ली नहीं। फिर भानु दी ने भी बोला, फिर उसका मन आ गया कि वो वाली शर्ट लेनी है। जब दी ने भी बोला बहुत प्यारी शर्ट है, तो अब मुझे बोल रही है कि तू जाके लक्ष्मी नगर से वो वाली शर्ट ले आ। राइट चॉइस पे थी वो, राइट चॉइस पे जाना है मुझे अब लक्ष्मी नगर लेके आती हूँ। और मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी कोई अच्छा सा टॉप वगैरह, टॉप या शर्ट वगैरह जो पसंद आ जाए वो ले आऊँ वियर करने के लिए, फिर वही वियर कर लूँगी। बाकी देखती हूँ, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ले आऊँगी, वरना कोई नहीं। तो चलो गाइज, अंकल भैया के साथ जा रही हूँ बुलेट पे, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं लक्ष्मी नगर, छोटी गाड़ी कोई सी भी नहीं है यहाँ पे, सब लेके गए हुए हैं। और फॉर्च्यूनर और वो तो लेके नहीं जा सकते, स्कॉर्पियो वगैरह बड़ी, तो इसलिए बुलेट से जाऊँगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मैं आ गई हूँ राइट चॉइस पे लक्ष्मी नगर भैया की शॉप से। टॉप लिया है मैंने अपने लिए, एक शॉपिंग कर ली, उसके बाद दिखा रही हूँ आप लोगों को। और एक टॉप लिया है बस, और कुछ नहीं लिया अभी तो मैंने, शर्ट टाइप लिया है और पूजा दी की शर्ट लिया बस। चलो फिर चलते हैं। तो गाइज, मैं आई हूँ यहाँ से मोमोज लेने। यहाँ पे पनीर तंदूरी मोमोज बहुत टेस्टी मिलते हैं, और भाभी को चाउमीन पसंद है, और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा उनके लिए वेज कन को सिंगापुरी चाउमीन करा लेते हैं, उन्हें पसंद है, तो मैंने दोनों का ऑर्डर दे दिया है, मोमोज का और चाउमीन का। भैया पैक कर रहे हैं फटाफट, फिर चलते हैं लेके घर। और मैं अपना ये लेके आ गई हूँ टॉप और पूछ रही थी कि शर्ट। तो गाइज, मैं आ गई घर पे और ये रहे मेरे मोमो, तंदूरी मोमो। ये कितनी ग्रेवी के साथ देते हैं भैया मुझे, मैं उन्हें बोल देती हूँ, तो इतनी ग्रेवी में बनाते हैं। और ये भाभी की चाउमीन है इधर, ये रही। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए शक्ल हो रही है ऐसी, और बैठी हैं, ये लेटी थी, मैंने उठा दिया इन्हें आके। चलो गाइस, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, फिर मैं रेडी होंगी, फिर जाऊंगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये ग्लूकॉन डी है ऑरेंज वाला, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मी है गाइस। चलो सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये शर्ट लेकर आई थी मैं राइट चॉइस से, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, ये देखो। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लाइट नहीं जल रही है। ब्राइटनेस कर देते हैं, ये देखो। और पूजा दी जीजू वगैरह ने, मतलब पूजा दी का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, मुझे नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ भी जा रहे हैं वो उसका रूट ना यहीं से है, मतलब पास से, अक्षरधाम के पास से है। तो फिर पूजा दी ने मुझे कहा तू वहीं पे आ जाइयो, कोई छोड़ देगा, हम तेरे को वहीं से पिक कर लेंगे फिर चलेंगे। मैंने कहा ओके। तो आई डोंट नो वो अभी तक घर से निकले हैं नहीं निकले, 7:30 बज चुके हैं, मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। बाकी मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कहाँ है, क्या सीन है, कब तक आएंगे वो लोग, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को, अपडेट करती हूँ। सो गाइज, मैं निकल गई हूँ, और पूजा दी का फ़ोन आया था, कह रही कि केक ले आइयो,
तो मैंने कहा ठीक है चल देखती हूँ। और इतना लेट मुझे बताया, घर बैठ से निकल गई, कह रही केक ले लियो डायला केक से, जिससे कल लिया था उसका केक अच्छा होता है। मैं कल ले गई थी ना, उसका अच्छा लगा होगा केक, तो मुझे कह रही वहीं से केक ले आई हो। और कल मुझे मना कर रही थी पहले कि तू केक मत लाइयो, हम वहीं से खरीद ले लेंगे जहाँ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी, और अब खुद ही फ़ोन करके कह रही कि केक ले आई हो। मैंने कहा ओके, अब तो मैं राकेश भाई को लेके जा रही हूँ। राकेश भाई अरे राधे राधे जी, जय श्री राधे। कैसे तुम बीमार से हो रहे हो? नहीं बीमार नहीं हूँ, जरा कुछ काम करा था, पर बता नहीं सकता मैं ठीक हूँ। कभी सो के भी उठाओ थोड़ा बाकी ठीक है बीमार। तो डायलॉग एक पे जा रहे हैं, फटाफट देखते हूँ जो केक पसंद आएगा। एक बार पूजा जल्दी फोटो दिखा दूंगी, वरना अपने हिसाब से। सामने वाली जो पार्टी आ रही है बहुत गर्म, उनको वेट नहीं कर सकते। जी जी सारे ऐसे हैं, ये वेट नहीं कर सकते, गर्म हो जाएंगे। छोड़ के फिर मुझे तुम छोड़ के आओगे, मेरे को क्या है। चलो छोड़ तो देंगे, एक साथ जाते अच्छा रहता। चलो गाइस पहुंच के मिलते हैं फिर आपसे, दिखाते हैं आपको भी कौन सा केक लेते हैं क्या लेते हैं। सो गाइस मैं आज फिर आ गई हूँ डायलॉग केक, रात को भी लेके गई थी, अभी भी ट्रफल लिया है मैंने, ये वाला। तो पैक कर रहे हैं भैया, नाम वगैरह लिख रहे हैं, राकेश भैया गाड़ी यू टर्न लेके आ रहे हैं। और गाइज मैं अपना जो करेंसी वाला था वो घर पे भूल आई, तो ये लूंगी अभी नया, वो काम आ जाएगा और किसी के, तो ये ले लेते हैं फिर चलते हैं। कल भी आ रहे हैं। हाँ आपने दिया था ना हैप्पी बर्थडे का टैग, नहीं लगाया था केक के ऊपर? मैं वही बोल रही थी भैया को, अंदर दिया था मैंने, नहीं था भैया, अब पता नहीं, मैं देखा नहीं, पर मैंने कि सिर्फ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, अब मुझे नहीं ध्यान। तो ले लिया है केक, और ये भी ले रही हूँ पार्टी पॉपर को, करेंसी वाला कल वाला घर पे ही रहेगा। तो चलो चलते हैं फिर, भैया आ रहे हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से। वो लोग पहुँच गए हैं पूजा दी। सो गाइस हम लोग आए हैं मॉडल टाउन, इधर से जा रहे हैं, पता नहीं मैं तो पहली बार आई हूँ इधर। जी जो ये हमारे बर्थडे बॉय कुन्नुदी है, राबू है, और मायरू को देख लो इसे। मजनू का टीला आया गाइस, हम गाइस वो है सिग्नेचर ब्रिज, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ऑर्डर किया अभी। मायरू देखा तो मेरे नहीं। पास आएगा तेरे को फोन, घंटा लग जाएगा मेरे पास आने। दे ना मुझे एक चीज, आ क्या पैसे बढ़ जाए यार देने। राबिया नो डॉलर से पैक कर लो, आरती इसको अब हम जा रहे हैं घर। आ जाओ गाइस, कम ऑन। मायरा की नींद, मुझे भी यही लगा था। हाँ चलो चलो चलो,
क्यों करो? आज हम लोग आ गए हैं घर पे, अब मैं करूंगी चेंज और राव्या और मैं खेल रहे हैं। राव्या और मायरा खेल रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सो माय बैक टू माय चैनल। और मैं भी नोएडा, मैं धीरे से शूट कर लेगा। मैं भी नोएडा आ गई हूँ। मैं सुबह, देखो सुबह या कल शाम को जाऊंगी घर पे। राव्या ले आई मेरे को, राव्या कह रही थी मासी घर चलो, है ना। मामू ने नहीं छोड़ा। फिर जीजू भी कहने लगे सुबह आ जाइयो घर चलो। मैंने कहा ओके कोई नहीं। यहाँ पे मेरा गुड्डा खेल रहा है। मेरी खेलते खेलते मेरी ड्रेस ही टूट गई, देखो। कोई नहीं, जापान से ले गई थी, कोरिया जापान से ले गई थी, इतनी सुंदर सी ड्रेस। चलो चेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। बस मैं तो बिना चेंज करे खेलूंगी। ऐसा हम गए होते घूमने तो हम आ चुके हैं, हमको बैठे आधे घंटे हो गए हैं। इधर ये सब मेरे रूम में बैठे हैं। हाय, तो गाड़ी से मेरा हाथ मसी का ही फोन है, उसमें ही व्लॉग कर रही हूँ शूट, क्योंकि मेरी मम्मा का फोन मेरे पास है नहीं, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को डर लग रहा है। और इस कमरे में इतने अच्छे भगवान जी ने सेट कर रखे हैं, वो उधर हमारा इतना लगा रहता है, ना बड़ा सा है बोलो ना छोटू सा है। भगवान जी सुपर पावर स्लोकर उस पर नहीं गिरा था, पर मनु बहुत चिताने का, इसमें दिखाती हूँ आपको उनका मंदिर है। हम कहीं घूमने गए हुए थे तो ना, जब हम घूमने गए थे तो हम उधर फ्रॉक शूट नहीं कर पाए थे। बताऊँ क्यों? क्योंकि ना उधर बहुत सारा शोर था और सब शोर आ रहे थे, तो अगर हम उधर करते तो लोग देखते अरे पागल लड़की क्या कर रही है और ये पागल लड़कियाँ क्या कर रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं, लोग और वो भी मैं अपने आसपास मासी के फोन में बना रही हूँ। मेरी मम्मा नान भाई अंदर रहते हैं तो देख सकते हो। गाइस रील बनाई थी मामी ने, एक रील बनाई थी, वो सब सब्सक्राइब एंड लाइक करना और जल्दी से वो वीडियो देखो और लाइक करो सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, मायरा देखो गंदा बच्चा कैसे रोता है, रो के दिखाओ कैसे लोता है। तो गाइस ऐसे लोता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस हम सभी उठ चुके हैं, थोड़ी देर हो गई है उठे हुए और मायरू खेल रहा है अपना। तो चलो गाइस इसी इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माए दो कह दो सब्सक्राइब कर लो, ए रिमोट छोड़ो, इसे कोई मतलब ही नहीं है, कह दो लाइक शेयर कमेंट कर लो सब्सक्राइब करो। जब बड़ी हो जाएगी ना थोड़ी सी, दो साल ढाई साल, जब बोला करेगी। चलो गाइस अब तेरा ब्लॉग यही बनाएगी अपना। हाँ ब्लॉग बनाएगी फिर तो ये है। चलो गाइस टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।